नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का आज की क्लास के अंदर और गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द इंडियन ब्यूरोक्रेसी सिस्टम ओके इन द इंडियन डेमोक्रेसी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी विल बी कवरिंग इन डिटेल द रोल ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स आप लोग में बेसी कई बनने वाले हैं फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स तो आपको भी काफी एनलाइटमेंट होगा इस क्लास को करने के बाद साथ के साथ ये बहुत जरूरी भी है इट्स अ पार्ट ऑफ योर मेन सिलेबस जीएस पेपर टू थ्री फोर ऐसे में आप इसका इनफाइनाइट यूज कर सकते हो ओके ऑल दीज टॉपिक्स विच एल टेल यू विच आईल यू नो विल टॉक एवरीथिंग इन डिटेल रोल ऑफ सिविल सर्विसेज रोल ऑफ ब्यूरोक्रैट इन द इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप ओके तो दैट विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो बचो सिविल सर्वेंस सिर्फ आई और आईपीएस अधिकारी नहीं होते हैं। वो सारे अधिकारी होते हैं जो कि गवर्नमेंट में या काम करते हैं गवर्नमेंट की साथ काम करते हैं और पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन मुख्यतः इनका काम होता है जो टॉप ब्रास जो होता है सिविल सर्वेंट्स का उनका काम होता है लेकिन इसके अलावा भी कई का काम होते हैं सिविल सर्वेंट्स के जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वगैरह वगैरह वलनरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करना सो एवरीथिंग स्टडी इन दिस वन आवर क्लास एंड गाइज दिस इज समथिंग अबाउट मी मीचो स्पेशल पे मुझे फॉलो करना ना भूलिए ताकि आप सारी क्लासेस से कनेक्ट हो जाए और कोई भी फ्री क्लास आपकी छूटे ना तो ये मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है आप पढ़ सकते हो यहाँ से एनसीआर भी चल रही है हमारी जोग्राफी की दो बजे क्लास होती है फ्री इनिशिएटिव है स्पेशल प्लेटफॉर्म पे होती है ऐप पे होती है अगर आप नए हो आप अब तक अपने अकाउंट नहीं बनाया ऐप पे तो आपको बना देना चाहिए क्योंकि ये ऐप आप आपकी बहुत काम आने वाली है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अन अकेडमी ने गाई एक रिवोल्यूशन ला दिया है ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के अंदर फ्री एजुकेशन दे आर प्रोवाइडिंग एट जीरोस्ट ओके एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यूज अकेडमी कॉम्बैट जो कि पूरे इंडिया में आपको अपनी रैंक जांचने का मौका देता है आप कितने पानी में हो एक बेसिकली इट्स फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इस डोन्ट मिस इट अभी टाइम है टेस्ट सीरीज करने का अपनी परफॉर्मेंस को नापने का और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेने का ठीक है तो बच्चो अगला टेस्ट जो है अट्ठाइस फरवरी को है फ्री कोड है अनलॉक कोड यूज करके आप इसे पा सकते हो ओके okay. और गाइस और भी अगर आपको बेहतर कंटेंट चाहिए बेहतर तरह से पढ़ना है सीरियसली पढ़ना है स्ट्रक्चर तरह से पढ़ना है एक टाइमली फैशन में पढ़ना है तो आप प्लस पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो दैट इज अ पेड कोर्स ऑफ कोर्स बट यू गेट मेनी मोर सर्विसेज लाइक द होल एजुकेटर फेस टाइम विल बी देयर कई सारे इसमें फीचर्स हैं टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस क्लासेस वगैरह ओके बैचेस आप एनरोल कर सकते हो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बैचेस आप एनरोल कर सकते हो उसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होता कॉस्ट होता है सिर्फ सब्सक्रिप्शन का जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें कोड यूज करें मेरा आइकॉनिक हो या प्लस आई विल सजेस्ट यू गो फॉर आइकॉनिक इफ नॉट आइकॉनिक गो फॉर प्लस एंड गो फॉर एटलीस्ट टू ईयर सब्सक्रिप्शन यूज माई कोड मेरे कोड लगाने के पांच बेनिफिट्स हैं। मेंटरिंग मिलती है डायरेक्टली फोन पे मेरे द्वारा ओके, डिस्काउंट आपको चाहे आप किसी भी एजुकेटर का टॉपिक गाइज डू लाइक एंड शेयर डू लाइक एंड शेयर द क्लास बिकॉज योर लव इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड एक्सप्रेस यूर लव बाई शेयरिंग द्लास And liking the class so that I keep on coming up with such innovative content and which is which will be indeed which will be very much beneficial for your examination theek hai to like and share guys zarur kar dijiye chalte hain hum aage aur good afternoon everybody okay so इस role of civil servants democracy क्या होता है कई तरह के बच्चों role democracy में निभाती है civil servants okay तो so guys भारत एक democratic country है ओके okay, यहाँ पे डेमोक्रेसी काम करती है यानी के सरकार के प्रतिनिधि आप चुनते हो वो सरकार में जाके मिनिस्टर्स या अच्छी पोस्ट्स जो हेड पोस्ट होती है वो लेते हैं लेकिन बच्चों ब्यूरोक्रेट्स हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे ठीक है ये बदलते नहीं है हर पांच साल बाद ये परमानेंट होते हैं तो एक तरह से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है वो सारे ब्यूरोक्रेट्स ही देश को दे पाते हैं दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रीड की हड्डी है ये एडमिनिस्ट्रेशन की ओके okay, एक इंट्रो देता हूं आपको कि क्या, क्या क्या काम करते हैं ब्यूरोक्रेट्स यानी कि सिविल सर्वेंट्स दे प्ले अ वेरी क्रूशल रोल बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण काम इनका होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन बच्चों कोई भी सरकार की नीति है कोई भी पॉलिसी है नई लानी है नरेगा लाना है प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा योजना लानी है बीमा योजना लानी है वगैरह वगैरह कोई महिलाओं के लिए कोई नया योजना लानी है तो वो कौन फॉर्मुलेट करता है कौन बनाता है कौन बताता है आपको लगता है हम जो पॉलिटिशियंस को चूज करते हैं उनके पास इतना टाइम होता है अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ के के वो इस सब बारे इस सब चीजों के बारे में सोचे तो ये कौन करता है काम ये काम करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। आप करोगे जब आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बनोगे और एक आई एस आई पी एस एक बड़े पे पहुंचोगे तो गाइस पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज देयर मेन एम सुझाव देना मिनिस्टर्स को नेताओं को कि इस तरह से आप पॉलिसी लाएं उस तरह से उनको शेप दें और पॉलिसी फॉर्मूलेशन के साथ साथ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इज ऑल्सो देयर जो देयर जॉब ओके पॉलिसी तो आपने बना दी अब उसको इंप्लाय कैसे करेंगे ठीक है बना दी कागज के टुकड़े पे हाँ भाई नरेगा है सौ दिन काम देना है लोगों को मगर उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट कौन करता है वो भी सिविल सर्वेंट्स करते हैं या नीचे के जो अफसर होते हैं या नीचे की जो हरार की होती है उनके थ्रू करवाते हैं तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सिविल सर्वेंट्स का ठीक है गुड गवर्नेंस अगर आपको चाहिए ओके गुड गवर्नेंस आपको चाहिए चाहे आप एक डेवलपिंग देश हो चाहे आप डेवलप्ड देश हो तो आपको सिविल सर्वेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है ठीक है एक रिटर्न सेट ऑफ रूल्स होता है उसको ये फॉलो करते हैं ओके दे आर पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ओके एक रिटर्न सेट ऑफ रूल्स को इनको फॉलो करना पड़ता है ये कभी कभी प्रॉब्लम का भी सोत्र बन जाते हैं ये रिटर्न रूल्स कि कभी कभी इनको रूल्स के में दब के ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जो जनरल पब्लिक के शायद हित में नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है इंडियन बेरोक्रेसी के साथ साथ ओके सो इस टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे इनको सेलेक्ट किया जाता है जैसे कोई बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम होता है यूपीएससी का उस बेसिस पे इनको सेलेक्ट किया जाता है फिक्स्ड इनकी सैलरी होती है ठीक है कॉम्पिटेंसी होती है इनमें आईपीएस में आईपीएस के हिसाब से जो ट्रेनिंग दी जाती है एक आईआरएस ऑफिसर है उसे आईआरएस के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है एक आई अधिकारी है उसे उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है तो अपने काम में इनको बिल्कुल माहिर करके भेजा जाता है भारत के विकास के लिए छोड़ा जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एडीएम एसडीएम एसपी एडिशनल एसपी बड़े बड़े पोस्ट ये लेते हैं और ऑफिस को ये कैप्चर करते हैं ऊपर मतलब एक, 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 एक और बच्चों टॉप कौन होता है पॉलिटिकल हेड ठीक है कभी भी ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो हेड पे नहीं होते पॉलिटिकल हेड होता है जैसे मिनिस्ट्री है मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है तो उसका जो ब्यूरोक्रेटिक हेड होगा एक आई अफसर होगा वो सेक्रेटरी कह लो उसको या एमडी भी कह सकते हो आप ठीक है वो उसका ब्यूरोक्रेटिक हेड होगा लेकिन बच्चों असली हेड जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है ठीक है पॉलिटिकल हेड यानी कि जो चुन के आता है इलेक्शन लड़के चुन के जिसको मिनिस्टर बनाया जाता है उसकी जवाबदेही होती है लोगों को पॉलिटिकल हेड जो होता है जो मिनिस्टर होता है किसी भी मंत्रालय का जो हेड करता है वो एक पॉलिटिकल मिनिस्टर हेड करता है तो अल्टीमेटली जो हेड होता है जो सबसे ऊपर होता है हरारकी में वो पॉलिटिकल प्रोसेस के द्वारा चुनाव के द्वारा चुन के आता है इसलिए वही जवाबदेह होता है ठीक है वही जवाबदेह होता है इसलिए पॉलिटिकल हेड जो ब्यूरोक्रेटिक हेड है उसके ऊपर भी You know, एक हायर अथॉरिटी है इसका ये ट्रांसफर कर सकता है इसको हटा सकता है इसको बदल सकता है और इसकी एआरसी वगैरह जो भी इसकी रिपोर्ट है उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है पॉलिटिकल हेड इज द अल्टीमेट है डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया ओके सुश पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी मेकिंग कैसे करते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स ओके फर्स्ट ऑफ ऑल गई देर हैव कलेक्ट समाटा रेलिवेंट डाटा डिफरेंट डिफरेंट कमीशन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज जो लगी हुई है भारत की एन एस एस ओ है सी एस एस ओ है पहले प्लानिंग कमीशन थी इन सब का डाटा ये लेते हैं ठीक है इन सब के डाटा से एनालाइज करते हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस ओके सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस आपको पता है डाटा आ चुका है दो हजार ग्यारह का कास्ट के बेसिस पे इसने सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जानकारी देता है ये तो बच्चों इस तरह से सारा डाटा इकट्ठा करके ये अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं ठीक है कैपेबिलिटी होती है इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एडवाइस देते हैं कैसे किस प्रॉब्लम को लॉन्च की सॉल्व किया जाए कैसी पॉलिसी उसको बनाया जाए कि हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकल सके जैसे कि बीपीएल पॉपुलेशन ज्यादा है तो नरेगा स्कीम चला दो किसानों को नुकसान हो रहा है तो फसल बीमा योजना चला दो ओके फूड ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो फूड प्रोसेसिंग की कोई स्कीम चला दो बेसिकली दे एक्ट एज अ थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट सोचने समझने का काम जो सरकार के लिए वो ये करते हैं और इनके हिसाब से फिर सरकार पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर देती है यानी कि नई नई पॉलिसीज को बना देती है ठीक है एग्जामिन करते हैं और ये फ्रेम भी करते हैं पॉलिसी और रिफ्रेम भी करते हैं पॉलिसी विद डिमांड ऑफ टाइम अगर लगता है कोई पॉलिसी गलत बन गई काम नहीं आ रही है काम नहीं दे पा रही है उससे रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं हो रहा है तो उसमें बदलाव भी ले आते हैं चेंज भी होता है आपको पता है कई पॉलिसी रिहॉल भी होती है मॉडिफिकेशन भी होता है अमेंडमेंट भी होता है तो सारा काम हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं सिविल सर्वेंट्स होते हैं वही करते हैं ठीक है साथ साथ बच्चों इसी के साथ साथ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को भी करते हैं ये और आपके लॉ एंड पॉलिसीज जो और कानून कायदे हैं उनको भी इंप्लीमेंट करते हैं ताकि देश में अमन शांति का माहौल बना रहे रूल ऑफ लॉ ठीक है रूल ऑफ लॉ जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है रूल ऑफ लॉ एक बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान का जुडिशरी के हिसाब से तो इस रूल ऑफ लॉ को ये मेंटेन करते हैं राइट सो द नेक्स्ट थिंग इज द नेक्स्ट जॉब गाइज दे डू इज द प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पीपल ठीक है पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के साथ लोगों को ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ठीक है जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो बच्चों लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना यानी कि पुलिस काम करती है बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है तो एक सर्वे हमें प्रदान की जा रही है कि भाई मैं दुकान खोल के बैठा हूं तो मेरी मैं सुरक्षित हूं मेरा सामान कुछ दुकान में रखा है तो वो सुरक्षित है मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं तो सुरक्षित है कोई वहां पर लूट खसोट नहीं कर सकता कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता कोई आके मुझे मेरा सामान ले जा नहीं सकता कोई मुझे धमका नहीं सकता कोई मुझे एक्सटॉर्शन की धमकी नहीं दे सकता तो यह भी इनका काम होता है लोगों की सर्विस करना और एक नया काम इनके प्रोफाइल में रिसेंट कुछ सालों में दस बीस सालों में जो एक नया रोल उभर के आएगा दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करना भी इनके लिए यू नो इंपॉर्टेंट हो गया दिट हैज बीन यू नो एज अ न्यू इमर्जिंग रोल फॉर द सिविल सर्वेंट्स राइट right. इसके अलावा गाइज दे ऑल्सो मैनेज द पब्लिक एंटरप्राइजेस ओके सरकारी कंपनियां होती हैं कुछ आपको पता है जैसे बैंक्स होते हैं सरकारियां कंपनी होती है ओएनजीसी है जैसे एल का मैं आपको बता रहा था कि प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है तो इनको भी ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वही रन करते हैं तो बिजनेस भी करते हैं सरकार के लिए ये सरकार की जो कंपनियां हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को ये संभालते हैं गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या होती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होती है वो जैसे वॉटर आपके घर में पानी आ रहा है नल खोला पानी आ गया ठीक है बटन दबाया लाइट आ गई इलेक्ट्रिसिटी आ गई ठीक है आपको जाना है ओके गाड़ी नहीं है घोड़ा नहीं है बस में बैठ के आप चले गए ट्रेन में बैठ के आपको चले गए ठीक है तो भाई ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती है ये सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ओके दे आर नोन एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज तो इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को भी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो संभालते हैं और ये इंश्योर करते हैं ये इंश्योर करते हैं कि चाहे कितना भी नुकसान हो सरकार का चाहे फायदा हो या ना हो लेकिन आदमी को इन बेसिक सर्विसेस से वंचित ना रखा जाए बिकॉज दे आर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एंड दे आर ऑफ वेरी बेसिक इन नेचर जो इनका नेचर है वो बहुत बेसिक है साथ के साथ बहुत ही जरूरी है सो दिस आर द द सम ऑफ दे डू ओके शनोय शनोय बच्चों पीडी का आप एग्जाम्पल दे सकते हो अपने के अंदर अपने एथिक्स के पेपर के अंदर ओके सो ही अ ब्यूरोक्रैट ओके और बच्चों कर्नाटका का जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है जैसे हर स्टेट में क्या होता है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन होता है बस वगैरह कहाँ चला, चलानी है और कहा से कितनी चलनी है क्या करा है तो ये काम होता है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ये राज्य सरकार के अंडर में आता है तो कहीं ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि आई ऑफिसर थे ये पी डी शिनॉय तेरह साल से बच्चों ये जो कॉरपोरेशन था कर्नाटका का स्टेट रोड डिपार्टमेंट आप कह सकते हो लॉस में था थर्टीन ईयर्स ओके तेरह साल से ये घाटे में चल रहा था इसको ये समझदार आई ऑफिसर यहां पे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं और ये इसको एक लॉस मेकिंग वेंचर से एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर में तब्दील कर देते हैं ओके परफेक्ट एग्जांपल फॉर फॉर योर योर मेंस एग्जामिनेशन और वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए कुछ लेजेंडरी ऑफिसर्स के बारे में ओवरऑल गाइस दे परफॉर्म द वेलफेयर सर्विसेज आल्सो लाइक सोशल सिक्योरिटी देना सोशल सिक्योरिटी मतलब गरीब आदमी को भाई रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा बूढ़ा आदमी है उन्हें पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है कोई विडो है तो उसे पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है ओके तो इसे कहते हैं सोशल सिक्योरिटी वुमेन्स को कहीं कोई परेशान तो नहीं कर रहा ठीक है वुमेन को एम्पावरमेंट की ओर क्या हो रहा है ओल्ड एज पेंशन स्कीम आ गई वेलफेयर स्कीम्स हो गई वीकर सेक्शन एस से, सी एस टी वुमेन डिसेबल्ड पीपल इन सबके बारे में ख्याल रखते हैं हमारे सो दीज आर ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन अब आपको पता है कि सरकार तो आती है जाती है गिर जाती है ठीक तो है तो बीच में कौन संभालता है तो बीच में कौन संभालता है सरकार गिर गई छह महीने तक तो कोई सरकार ही नहीं है मान लो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो वहां पे फिर कौन संभालता है गवर्नमेंट को कौन संभालता है तो गाइज ब्यूरोक्रैट संभालते हैं सिविल सर्वेंट संभालते हैं दे प्रोवाइड कंटिन्यूटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है गवर्नमेंट आती है जाती है लेकिन ब्यूरोक्रैट्स हमेशा रहते हैं सिविल सर्वेंट्स हमेशा रहते हैं ठीक है तो उस टाइम पे सरकार को चलाने का जो जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट को गवर्नेंस को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो ब्यूरोक्रेट्स की होती है राम से मूर ने बच्चों ये बात कही है फेमस बात एक यू you नो know, इन्होंने कहा था गवर्नमेंट्स में कम एंड गो सरकारें आएंगी और जाएंगी मिनिस्टर्स में राइज एंड फॉल मिनिस्टर्स उठेंगे और नीचे गिरेंगे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एक देश का हमेशा चलता रहेगा और इसे कौन चलाता है इसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं तो बच्चों कोई भी दो राय नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं ओके जो आप लोग आगे फ्यूचर में बनने वाले हो सो यू विल बी द बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रीड की हड्डी हो आप एडमिनिस्ट्रेशन की इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जैसे मान लो किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी भारत का स्टेट है राज्य है वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया ठीक है तो क्या होता है उस स्टेट की उस राज्य की जो गवर्नमेंट होती है वो घर बैठ जाती है लॉकडाउन की वजह से सब घर बैठ गए थे और जो सारा कामकाज है वो चीफ सेक्रेटरी जो होता है गवर्नर के अंडर ठीक है गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नॉमिनी होता है और चीफ सेक्रेटरी जो एक ब्यूरोक्रेट होता है टॉप लेवल का जो एक आई ऑफिसर होता है किसी भी स्टेट का वो चलाता है पूरे राज्य की सरकार को तो एक बहुत बड़ा ये रोल प्ले करते हैं दैट इज कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि बच्चों सरकार का कोई भरोसा नहीं है कल गिर जाए परसों गिर जाए इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में जो गवर्नेंस है जो गवर्नमेंट के काम है वो भी होना रुक जाएंगे तो उस टाइम पे कौन कंटिन्यू करता है डिसीजन मेकिंग कौन करता है ब्यूरोक्रैट करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द वेरी मेन फीचर ऑफ दू नो ब्यूरोक्रैट्स राइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और भी फंक्शन है गाइस जो आपके सिविल सर्वेंट्स करते हैं जैसे मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं जो पॉलिटिकल हेड होता है एक्चुअल में जो हेड होता है उनको असिस्ट करते हैं उनको बताते हैं आप क्या क्या कीजिए क्या ना कीजिए ओके okay, पार्लियामेंट को मदद करते हैं ये काम करने में फाइनेंशियल ऑपरेशंस को संभालते हैं ये रेवेन्यू आपको पता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है तो उसमें भी एक हेड होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है तो उस तरह के भी काम ये करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स ठीक है ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स को हमेशा रिफॉर्म और इंप्रूव करते रहते हैं ये राइट right? साथ के बच्चों एडजुडिकेशन का भी एक फंक्शन होता है जो ये करते हैं ठीक है जिसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं होगी तो बच्चों एडजुडिकेशन क्या होता है ठीक है एडजुडिकेशन होता है बच्चों दो विवाद में अगर कोई पार्टीज है उनका समझौता समझौता कराना या जस्टिस डिलीवरी करना बेसिकली ठीक है जस्टिस काम जो हमारी कोर्ट्स करती हैं तो बच्चों कोर्ट्स ही ऐसा काम नहीं करती ट्रिब्यूनल्स होती है वो भी ऐसा काम करती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्वेंट्स भी काम करते हैं कभी कभी जस्टिस डिलीवरी का ठीक है जैसे कि आईटी ट्रिब्यूनल जो होती है इनकम टैक्स एपेलिट ट्रिब्यूनल होती है तो मान लो किसी को कोई समस्या आ रही है किसी को लगता है उस नेसेसरीली ज्यादा टैक्स थोपा जा रहा है तो कमिश्नर लेवल का अगर कोई ऑफिसर है इनकम टैक्स में अगर वो एपेलिट ट्रिब्यूनल में उसकी पोस्टिंग है तो बच्चों एक जज की तरह भी वो फैसला कर सकता है कि इसका टैक्स माफ कर दिया जाए या इस पर वाकई में ये टैक्स बनता है यानी कि अडजुडिकेशन का काम कर रहा है वो जुडिशरी टाइप भी काम करते हैं ब्यूरोक्रेट्स ओके तो कई तरह की इन तरह की ट्रिब्यूनल्स को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ट्रिब्यूनल्स मतलब कोर्ट्स जो कि किसी स्पेसिफिक मामले में ही सुनवाई करती है उनको कहते हैं ट्रिब्यूनल्स ठीक है जैसे आईटी ट्रिब्यूनल है वो आपके इनकम के टैक्स के केस को ही सॉल्व करेगी सेबी की ट्रिब्यूनल है वो आपके स्टॉक मार्केट के कोई भी विवाद को ही सुलझाएगी उसे कहते हैं ट्रिब्यूनल जब इस ट्रिब्यूनल को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि ब्यूरोक्रेट हेड करता है ब्यूरोक्रेट इसमें फैसला सुनाता है इसमें जो डिसीजन मेकिंग करता है जस्टिस करता है तो उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लाइक द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल सो गाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट ओके इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो अब जो है वो डेमोक्रेसी है जो बदल गई है तो आज के जमाने में जो ब्यूरोक्रेट्स का रोल है और जो एक्सपेक्टेशन है उनसे वो भी बदल गई है काफ़ी चीजें बदल गई है तो एक स्लाइड में अपन इस पर भी नज़र डालते हैं कि क्या क्या अब मॉडर्न डे दे डेमोक्रेसी आ गई है तो इसमें ब्यूरोक्रेट्स का क्या क्या रोल है क्या क्या काम उनका बनता है तो गाइज ऑब्वियसली यू नो साइंटिफिक रिवोल्यूशन हो गया है ठीक है टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है टेलीफोन टेलीग्राम रेलवेज आए दिन नई नई चीज़ें यू नो आपके होती जा रही है ठीक है नई नई चीजें आपके बनती जा रही है सो इन सबको संभालना और इन सबको देश के साथ चलाना हैज नाउ बिकम अ चैलेंज ओके सो दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ ब्यूरोक्रेट कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डेवलपमेंट के हिसाब से सरकार को चलाएं और लोगों का भला करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बच्चों पोल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अर्बनाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है स्लम्स कच्ची बस्ती जो होती है इंडस्ट्रियल टाउन हो गए पोल्यूशन हो गया है ठीक है एक्सप्लाइटेशन हो गया लेबर्स का ये एक नया चैलेंज उभर के आया आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो क्या यहां पे भी ब्यूरोक्रेट से उम्मीद रखी जाती है कि लोगों के साथ वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस करें किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो उसे बिल्कुल सुलझाएं जाके और बिल्कुल उसकी मदद करें राइट और जो भी बेड इफेक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के उससे प्रोटेक्ट करे आम आदमियों को इकोनॉमिक प्लानिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो बच्चों सरकार चलानी हो या एग्जाम निकालना हो प्लानिंग की बहुत जरूरत है पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन भी थी उसमें भी काफी ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट्स काम करते थे पर मोदी जी ने 2014 के अंदर नीति आयोग बना दिया ओके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग को कहते हैं तो नीति आयोग बना दिया उन्होंने और प्लानिंग आज भी लेकिन बहुत जरूरी है बच्चों क्योंकि अब इतना कॉम्प्लेक्स हो गया देश को चलाना क्योंकि इतनी नई नई चीजें रोज रोज आ रही है जो प्लानिंग के बिना प्रॉपर प्लानिंग के बिना अच्छे से आप नहीं चला सकते हो क्लाइमेटिक क्राइसिस कैलमिटीज यू नो गवर्नमेंट हैज अ यू नो प्रोमिनेंट रोल टू प्ले आपको पता है चामोली के अंदर अभी आइस ब्रेक हुआ जैसे तो सरकार बहुत क्विकली रिएक्ट किया सरकार ने तुरंत राहत कार्य चालू कर दिया नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो चाहे उस इलाके के कलेक्टर एसपी या सभी छोटे मोटे अधिकारी मौका वारदात पे पहुंचे और उन्होंने लोगों का राहत कार्य किया तो इसी तरह से बच्चों अर्थ को एक फ्लड्स ड्रॉट साइक्लोन्स में भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपना काम करते हैं ओके okay, और राहत कार्य में भी ओके इन द केस ऑफ डिजास्टर ये भी आपके अलग से जी जीएस पेपर थ्री के अंदर तो वहां पे भी इनका बहुत बड़ा रोल है ठीक है पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन द सिटीज इज आल्सो इमर्जिंग रोल ओके यू नो गाइस पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है तो इस पॉपुलेशन को खाना शेल्टर एजुकेशन हेल्थ सैनिटेशन साफ सफाई वगैरह ये सब भी मुहैया कराना सिविल सर्वेंट्स की एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी है उनके काम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ओके सो दिस इज द प्रेजेंट डे एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ सिविल सर्वेंट ओके आजकल बच्चों एक नया कंसेप्ट भी उभर के आ रहा है वेलफेयर स्टेट ठीक है वेलफेयर स्टेट का एक कंसेप्ट जो है ज्यादा ही आपके फेमस हो रहा है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट के भाई अब एक स्टेट को सिर्फ अपना बेसिक काम नहीं करना उसे एक वेलफेयर स्टेट बनना है यानी कि कोई भी देश में भूखा ना सोए बिना छत के ना रहे बिना कपड़े के ना रहे ये एक वेलफेयर स्टेट के एट्रीब्यूट्स हैं ठीक है किसी के साथ अन्याय ना हो सबके साथ जस्टिस हो सबको इंसाफ मिले एजुकेशन मिले हेल्थ मिले और बेसिक चीज़ें जो मिले ठीक है तो बच्चों अब स्टेट से सरकारों से उम्मीदें जो हैं वो बढ़ा ली हैं लोगों ने कि एक वेलफेयर स्टेट बनाना है हमको ना कि सिर्फ बेसिक आप गवर्नमेंट के काम कर रहे हो ठीक है एक वेलफेयर स्टेट में बच्चों बहुत सारी सोशल सर्विसेज को देश के आम नागरिकों तक पहुंचाना एसेंशियल कमोडिटीज जैसे हो गई जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि सरकार ने भरपूर कोशिश करी कि लॉकडाउन हो गया है कुछ नहीं है सब फैक्ट्री वगैरह सब बंद है सब कुछ बंद है लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि रोटी गेहूं चावल दाल वगैरह सब्जियाँ वगैरह फ्रूट्स वगैरह मिल्क मीट इनकी कोई कमी ना आए इकोनॉमी के अंदर ठीक है सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट ओके और बैंकिंग इंडस्ट्रीज वगैरह इनको संभालना रेगुलेट करना इनको ओके okay, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना दीज आर द न्यू रोल्स ये न्यू रोल्स हैं जो ब्यूरोक्रेट्स के हैं इन द मॉडर्न डे डेमोक्रेसी यानी कि आज की जो डेमोक्रेसी है बेसिकली आफ्टर 2000 थाउजेंड आर द सम इंपॉर्टेंट रोल्स बाय द सिविल सर्वेंट्स ओके गाइस कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहता हूं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं मैं चाहता हूं कि आपका नाम भी ऐसे कोई एजुकेटर कुछ सालों बाद पढ़ा रहा हो और आपका भी फोटो और आपका भी नाम और काम ऐसे किसी स्टूडेंट्स को उस टाइम के बता रहा हो सो so, दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जो आपको वैसे भी पता होने चाहिए और इनको आप कई जगह यूज कर सकते हो और पता भी होना चाहिए आपको ठीक है पूछा भी जा सकता है सो टू थ्री एग्जाम्पल्स आई विल टेल यू द वर्क्स डन बाय द ब्यूरोक्रेट्स ओके तो वर्क डन बाय ब्यूरोक्रेट्स तो बच्चों इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ऑफिसर हैं ये ओके okay, प्रज्ञान दास ठीक है तो ये है बच्चो प्रज्ञान दास इन्होंने इको विलेज मॉडल बनाया है उड़ीसा के अंदर ओके इको विलेज मॉडल बनाया है है सस्टेनेबल विलेज विलेज ठीक इस बनायाबल हंड्रेड परसेंट सस्टेनेबल बनाया है ना ही ये बिज, ये कुछ बाहर से लेता है ना ही ये पोल्यूशन करता है एनवायरमेंट के अंदर हंड्रेड इको फ्रेंडली विलेज बना दिया है इन्होंने इसको ठीक है तो पहले बच्चों यही गाँव था यही गाँव अपना कचरा सारा महानदी जो नदी है उड़ीसा में बहती है उसमें फेक दिया करता था तो इन मैडम ने समझाया लोगों को एजुकेट किया अवेयरनेस फैलाई जागरूकता फैलाई कि आप ऐसा ना करो कम्युनिटी को समझाया ठीक है टॉयलेट्स बनवाए हर घर के अंदर और 100 परसेंट ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित हो गया ये गांव 2019 के अंदर तो उसका श्रेय जो जाता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो ऑफिसर हैं ये ओके प्रज्ञान दास इनको जाता है ठीक है तो पहले बच्चों यही वाले यही गांव वाले सारा कचरा रोड पे फेंक दिया करते थे महानदी के अंदर फेंक दिया करते थे जो कि अब ऐसा नहीं करते हैं नो लिटर पॉलिसी को अप्लाई किया है इन्होंने इस गांव के अंदर हर नेम इज प्रज्ञान दास ओके सिमिलरली गाइज एन आई ऑफिसर हिज नेम इज देवेश यादव ओके देवांश यादव इन्होंने एस के द्वारा यू नो सैनिटेशन पैड्स बनाने का एक यू you नो know, किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ठीक है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर ये काम कर रहे हैं तो बच्चों नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको पता है यार ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो सैनिटरी पैड्स यानी कि नैपकिन जो वुमेन्स यू नो लड़कियां पीरियड्स के टाइम पे यूज करती है उनको लोकली मैन्युफैक्चर कराना एस एच जीज के द्वारा एस एच जी क्या होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं गाइस इसमें क्या होता है आपके कुछ सौ दो सौ लोग मिलके लोकल ठीक है लोकल जैसे गांव दो चार गांव के लोग मिलके एक इन्होंने हर हर में तो इन एसएचजी बनाते हैं कि आप सैनिटरी पैड्स बनाओ क्योंकि जरूरत भी है आपको भी आय होगी और लोगों को, को भी मदद पहुंचेगी इन एस को इन्होंने सिखाया कि बैंबू के प्रोडक्ट बनाओ ठीक है बैंबू आपके इलाके में बहुत उगता है तो बैंबू से क्यों ना आप फर्नीचर बनाओ लकड़ी कुर्सी बनाओ टेबल बनाओ और उनको मार्केट में बेचो ठीक है तो इस तरह से बच्चों देवांश यादव ने एस के थ्रू आपके सैनिटरी पैड्स बनाए हैं बैंबू फर्नीचर बनाया बनाना सिखाया एस के थ्रू ओके सो इस तरह से इन्होंने काफी लोगों को पॉवर्टी से भी बाहर निकाला और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स के लिए भी चीप क्वालिटी में अच्छी यू नो चीप अमाउंट में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो हैं, है उपलब्ध कराए तो इन्होंने कहा काम किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में काम किया है सो इज ओके देवांश यादव इज एन आई ऑफिसर ओके एक और एग्जाम्पल है बच्चों चुप्पी तोड़ कैंपेन जो आपके पूछा भी जा सकता है प्रलिम्स के अंदर क्योंकि लॉकडाउन से रिलेटेड है तो बच्चों यहां पे आईपीएस ऑफिसर आरिफ शेख ने ये लॉकडाउन के टाइम पे चुप्पी तोड़ कैंपेन जो है चालू करा आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस ओके घरेलू जो झगड़े होते हैं लॉकडाउन में क्योंकि अब बंद करके रख दिया सबको तो लड़ाई झगड़ा तो हो गई तो यहां पर एक मेजर सफरर जो थी वो वुमेन निकल के आई जिसे डोमेस्टिक वायलेंस का जो है यानी कि बर्डन है जो झेलना पड़ा इस तरह का वायलेंस तो बच्चों चुप्पी तोड़ कैंपेन चलाया आरिफ शेख ने आई एफ आई ऑफिसर हैं इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू वुमेन्स तक पहुंच बनाई वुमेन्स व्हाट्सएप के थ्रू ही कंप्लेन कर सकती थी पुलिस को कि हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे को परेशानी हो रही है और पुलिस डायरेक्टली जो वुमेन है जिसको परेशान किया जा रहा है उसके घर पर जाएगी और उसे अपनी समस्या से निवृत्त कराएगी ओके सो सच काइंड ऑफ यू कैन कोट इन योर आंसर इट कैन बी आस्ट ऑल्सो इन योर एग्जामिनेशन प्रॉब्लम से पूछा जा सकता है कि भाई चुप्पी तोड़ कैंपेन क्या है ठीक है तो चुप्पी तोड़ो यानी कि चुप अत्याचार जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ आप लॉन्च कर सकते हो फोन से ही व्हाट्सएप से ही बैठे बैठे और आपको पुलिस स्टेशन आने की कोई जरूरत नहीं है पुलिस आपके घर आएगी और आपके घर में जो भी आपको परेशान कर रहा है आपके हस्बैंड या आपके कोई सासू मां माँ जो भी रिलेशन होते हैं उससे आपको निजात दिलाई बेसिकली ठीक है यू कैन कोट सच अच्छे होते हैं अपने हैं अपने वैल्यू एडिशन करते आपके आंसर्स में तो मैगनेसेंट आपको मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं तीन इको विलेज ओके नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में और चुप्पी तोड़ कैंपेन के बारे में ठीक है ओके सो दीज वर सम एग्जाम्पल ठीक है तो बच्चों एक पैराडॉक्सियल और एक कॉम्प रिलेशन है बेसिकली सिविल सर्वेंट्स का देखा जाए तो डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होता है पैराडॉक्स तो, तो इस डेमोक्रेसी में जो रिलेशन है जो काम है सिविल सर्वेंट्स का उसे पैराडॉक्स के हिसाब से भी कहा जाता है दैट इज पैराडॉक्सियल मतलब क्या मतलब ये के काम सारा ब्यूरोक्रेट्स करें ठीक है काम सारा ब्यूरोक्रेट्स करें सब कुछ पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं सारी डाटा ले रहे हैं लोगों का ध्यान रख रहे हैं लोगों का कई बार ध्यान रख भी नहीं पा रहे हैं लेकिन लेकिन अनसरेबल नहीं है वो उनकी जवाबदेही नहीं है लोगों को पीपल पे वो कोई जवाबदेही नहीं है जवाबदेही किसकी है मिनिस्टर्स की एम की, एम की जो मिनिस्टर बनके उस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं समझ रहे हो आप तो ये बच्चों पैराडॉक्स है कि काम सारा उन्हें करना है सब वो कर रहे हैं पॉलिसी फॉर्मुलेट वो कर रहे हैं लेकिन जवाबदेही जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं जो है लोगों के प्रति वो ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है सिविल सर्वेंट्स की नहीं है वो आपके एम पी की है ठीक है एम पी और एमएलए की है ठीक है तो कोई भी अगर गलत चीज होती है या चीज आपको बुरी लगती है प्रोटेस्ट होता है जैसे तो जैसे जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें किसी ब्यूरोक्रेट को टारगेट नहीं किया जा रहा उसमें पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में भी है यानी कि सब जानते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अभी पावर में है सेंट्रल में उसको टारगेट किया जा रहा है ठीक है तो जवाबदेही जो है वो लोगों की जो होती है पर्टिकुलरली वो एमपी और एमएलएस की प्रति होती है हालांकि जो सिविल सर्वेंट की जवाबदेही है वो जरूर एम पी एम एल ए जो उनके पॉलिटिकल हेड होते हैं ओके जो उनके पॉलिटिकल मास्टर होते हैं उनकी तरफ होती है सो ये एक पैराडॉक्सियल रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी है ये फिर जवाबदेही अगर एमपी और एमएलए की है अगर नेताओं की है मिनिस्टर्स की है तो मिनिस्टर्स का सारा काम जो है मिनिस्टर्स के मुताबिक मिनिस्टर्स के कहने पे ही सिविल सर्वेंट सारे काम भी कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं उसको एक तरह से समझ रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी है एक दूसरे के सहयोग भी करते हैं ये लेकिन पैराडॉक्स भी है कि भाई जवाबदेही जो है जो अल्टीमेटली वो आपके एम पी एम एल की है नेताओं की है कोई भी पब्लिक सर्वेंट जवाबदेह नहीं है ठीक है स्पेशली लोगों को डायरेक्टली क्योंकि डेमोक्रेसी में ये काम जो है आप जिसको भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो उसका होता है ओके दिस इज द दैराडोक्शियल एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप ओके सो गाइस अभी आपके रिसेंटली जीपीएल रिफॉर्म्स हुए हैं ओके ग्लोबलाइज ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन आपको पता है 1991 तक हमारी हालत बहुत खराब थी हमारे पास हमारा दो महीने का भी जो इंपोर्ट्स हैं जो हम ईंधन मंगाते हैं बाहर से जो हम सामान मंगाते हैं बाहर से उसका पेमेंट करने का भी पैसा हमारे पास नहीं था ठीक है डॉलर जो भी चाहिए था वो भी हमारे पास नहीं था हालत हमारी बहुत ही ज्यादा खराब थी तो 1991 के बाद हमने हमारी इकोनॉमी को क्या कर दिया बच्चों ओपन कर दिया उससे पहले हम एक क्लोज इकोनॉमी फॉलो करते थे यानी कि भारत में कोई भी एफ नहीं ला सकता एफ नहीं ला सकता पैसा भारत में निवेश नहीं कर सकता इन्वेस्ट नहीं कर सकता ठीक है एक्सपोर्ट हम कुछ कर नहीं रहे बाहर तो बच्चों फिर डॉलर आएगा कहां से तो डॉलर की तो कमी आनी है तो 1991 के अंदर क्या है हमने हमारी इकोनॉमी खोल दी मनमोहन सिंह साहब उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बोला इकोनॉमी खोलो और आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो पैसा लाओ जो करना है करो फैक्ट्री लगानी है मर्सिडीज कंपनी लगानी है लगाओ ओके एचपी का लैपटॉप बनाना है लाओ बनाओ यहां पे इकोनॉमी को बढ़ाओ पैसा लाओ फैक्ट्रियां लगाओ लोगों को रोजगार दो तो बच्चों 1991 के बाद जो ब्यूरोक्रेसी का रोल है भारत के अंदर वो बहुत ही बढ़ गया है और चेंज भी हो गया है बढ़ तो गया ही है मैं नहीं बोलूंगा कम हो गया है लेकिन चेंज भी हो गया है क्योंकि अब हम ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट होने की ओर ज्यादा काम कर रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी से भारतीय इकोनॉमी जो है जुड़ जाए ठीक है और साथ ही साथ में जो पहले ओवर रेगुलेशन किया जाता था लाइसेंस राज कहते हैं उसको 1991 से पहले क्या है हर चीज में अड़ाती थी सरकार जाके बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स अच्छा आपको ये फैक्ट्री लगानी है अच्छा ये लाइसेंस दो वो लाइसेंस दिखाओ एनओसी का सर्टिफिकेट दिखाओ ये परमिशन लो वो परमिशन लो तो इस एटीट्यूड में चेंज आया है 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद ठीक है कमर्शियल एक्टिविटीज को सरकार प्रमोट करती है प्राइवेट बिजनेस को प्रमोट करती है उनकी हेल्प भी करती है और अपने कोर फंक्शंस पे ज्यादा ध्यान देती है जैसे कि डिफेंस हो गया देश की सुरक्षा हो गई हेल्थ हो गया ओके okay, एजुकेशन हो गया ज़्यादा फोकस बढ़ गया है आफ्टर द पोस्ट लिबरलाइजेशन जैसे जाने के 1991 के बाद में द फोकस हैज़ बीन शिफ्ट फ्रॉम द कोर थिंग्स दैट आर डिफेंस हेल्थ एंड एजुकेशन और कुछ और चीजें और बेसिकली वो जो परेशान करने वाला जो लाइसेंस राज है उसको हमें खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं एफिशिएंट इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा मार्केट एक फ्री मार्केट सरकार चाहती है एक फ्री मार्केट भारत में बनाया जाए जहाँ पे बेचने वाले को और बनाने वाले को आज़ादी हो पूरी तरह से ताकि दोनों के ही फायदे के लिए कॉम्पिटिटिवनेस जो है इकोनॉमी के अंदर इंड्यूस की जा सके एंटरप्रनोर्स बन सके ओके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम बढ़ावा दे रहे हैं 1991 के बाद में मोदी सरकार ने खास काम किया है यहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने में तो बच्चों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यही होता है कि कितनी आसानी से आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और कितनी आसानी से आप उसे बंद भी कर सकते हो आपको कोई परेशान नहीं करेगा चाहे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है चाहे आपको बिजनेस बंद करना है तो इस और सरकार का ज्यादा यू नो रुझान रहा है आफ्टर 1991, नाइन्टी एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आपको पता ही है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट्स, ओके सो इन दिस सेवेंटी एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट में हमने थ्री टायर गवर्नमेंट सिस्टम को चूज किया है 73 और 74 संशोधन से पहले सिर्फ दो तंत्र काम करते थे सेंट्रल लेवल पे टायर वन में आपके सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार काम करती थी टायर टू के अंदर जो पावर था शेयरिंग का ओके टायर टू के अंदर पावर जो था वो स्टेट गवर्नमेंट का होता था लेकिन बच्चों 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ओके एक टायर थर्ड ऑफ गवर्नमेंट भी आ गया है जिसे हम कहते हैं पंचायत गांव के अंदर और शहर में लोकल बॉडीज या म्यूनिसिपालिटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो बच्चों ये थर्ड टायर का रोल जो है बढ़ के आया है ओके दिस इज कॉल्ड एस पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट इसमें देश का हर आदमी ग्रास रूट लेवल का जो आदमी है वो भी गवर्नेंस में हिस्सा ले सकता है डायरेक्टली तो बच्चों 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके बाद पंचायतों का निर्माण किया गया हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओके तो इसमें एक जिला परिषद भी होती है जो इन सारे पंचायतों के ऊपर एक बड़ा ऑफिस होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो उसको जो हेड करता है उसको कहते हैं सीईओ सीईओ जिला परिषद जैसे आप अगर आई ऑफिसर बनते हो तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे जिला परिषद का सीईओ लगाया जाएगा साल डेढ़ साल तक ठीक है सो मोर रोल विच हैज इीज आफ्टर द लिबरलाइजेशन दायर थ्री गवर्नमेंट जो है इसको संभालना ओके okay. हालांकि हालांकि बच्चों 25 साल हो गए हैं 1991 को ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं लेकिन कुछ खास प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिली है प्रोग्रेस हुई है इकोनॉमी की ग्रोथ जो है बड़ी है लेकिन साथ के साथ महंगाई बहुत बड़ी है ओके okay, अनएलॉयमेंट बहुत बड़ा है रोजगार हम नहीं दे पा रहे हैं लोगों को पॉवर्टी से काफी लोगों को निकाल दिया हमने लेकिन अभी भी काफी लोग जो हैं वो पॉवर्टी से रिडेन हैं बीपीएल पॉपुलेशन के अंदर आते हैं ठीक है सो दिस आर द सम लकुनेस विच आर नॉट विच है इसके लिए बच्चों जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको चेंज करने की बहुत ही जरूरत है सो काफी रिफॉर्म सरकार कर रही है काफी कमेटियां भी ला, ला रही है सरकार उनकी रिकमेंडेशन को भी मान रही है उनके बारे में हम बात करेंगे ठीक है सो साथ साथ में बच्चों सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका भी जो रोल है बड़ा है इस समय के बदलाव के साथ साथ ओके गाइस बात करते हैं इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या है सीधा का सीधा मेंस में क्वेश्चन आ सकता है दस नंबर का पंद्रह नंबर का आ भी चुका है इनफैक्ट यही क्वेश्चन आपका मेंस में आ चुका है सीधा का सीधा उसका आंसर है ये कि क्या प्रॉब्लम्स है भाई सिविल सर्वेंट्स के साथ सिविल सर्विसेस के साथ भारत में क्या प्रॉब्लम्स है ओके शो एनी प्रॉब्लम हो तो आप बच्चों क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओके तो फिजिक्स तो यार यहाँ पे कोई पढ़ा भी नहीं रहा है वैसे भी ओके okay, सो so जिसकी इच्छा है वो पढ़ सकता है जिसको प्रॉब्लम है उसको कोई दिक्कत नहीं है जैसे जहां पढ़ना है वो पढ़ सकता है तो व्हाट आर द द प्रॉब्लम्स विद इंडियन सिविल सर्विसेज ओके इंडियन सिविल सर्विसेज के साथ प्रॉब्लम क्या है ठीक है प्रॉब्लम बच्चों ये है तो रिजिड है बहुत सिस्टम ये ओके बहुत ही ठोस सिस्टम है इट इज अ वेरी रिजिड काइंड ऑफ अ सिस्टम जो कि बहुत ही सेंट्रलाइज है आपको पता है सब एक नाप की पैंट नहीं पहन सकते सब एक नाप की जैकेट नहीं पहन सकते सबकी जरूरतें अलग अलग है हर डिस्ट्रिक्ट में अलग चीज की रिक्वायरमेंट है हर छोटे राज्य में छोटे इलाके में ब्लॉक में जिले में ओके और गांव में जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है प्रॉब्लम्स है वहां की अलग है लेकिन इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज है सेंट्रल से ऑर्डर आएगा तो करेंगे मगर सेंटर को नहीं पता कि लोकल प्रॉब्लम्स क्या हैं समझ रहे हो तो रिजिड सिस्टम है जो कि बहुत ही सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज है तो इसे डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है कि जहां पे भी जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से वहां पे उस हिसाब से उस हिसाब का सोल्यूशन बनाया जाए ठीक है नरेगा ठीक है एक आमदनी का सोर्स है आ, लोगों के लिए ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक स्कीम आप बना दो और पूरे भारत पे उसको थोप दो हो सकता है उस इलाके को वैसी स्कीम की जरूरत ही ना हो तो इसे कहते हैं बच्चों सिस्टमैटिक रिजिडनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है तो आपने बॉलीवुड की मूवीज में देखा ही होगा किस तरह से मिनिस्टर्स परेशान करते हैं पुलिस वालों को और आई अफसरों को कि इनको छोड़ दो ये गलत काम कर दो ठीक है जान पे खेल के बेचारे पुलिस वाला किसी गुंडे को पकड़ता है ऊपर से दो मिनट में फोन आ जाता है मिनिस्टर का एसी रूम में बैठा है आराम से वो यार इसको छोड़ दो ये अपना जानकार है ये मिलने वाला है तो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर उसकी बात नहीं मानेगा वो ब्यूरोक्रेट तो उसकी नौकरी पे भी आ सकता है उसका ट्रांसफर हो सकता है उसकी जो ए है उसको भी बिगाड़ा जा सकता है ट्रांसपेरेंसी बच्चों बिल्कुल भी नहीं है क्या तरीका है क्या क्राइटेरिया है किसको कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी ट्रांसपेरेंट तरह से काम नहीं करते अकाउंटेबल नहीं है वो ठीक जवाब दे नहीं है वो अपने एक्शन के लिए कई सारी कमिटीज इसके बारे में बात कर चुकी है कि भैया इनको जवाब दे बनाओ करप्शन बहुत फैल रहा है करप्शन को कम करो लेकिन आज भी बहुत कम कदम हमने उठाए जो कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं ओपननेस नहीं है गाइज आज आप मिलने पहुंच जाओ किसी आई अफसर से ठीक है तो बहुत ही मुश्किल है उससे मिलना पहली बात तो ठीक है क्लोजनेस रहती है ठीक है तो बच्चों जब पब्लिक और पब्लिक के लिए जो पॉलिसी बना रहा है उसमें इतना डिस्टेंस हो जाए कि वो पब्लिक से ही टच जो है खो जाए उसका पब्लिक से ही वो टच में ना रहे तो फिर वो शायद अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बना पाएगा देश के लिए ना ही लोगों के लिए ठीक है डायनेमिज्म कम है डायनामिक नहीं है आपको पता है हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है हर दिन परिस्थितियां बदल रही है हर दिन दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो इस रफ्तार से क्या हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो क्या इस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं क्या वो इस हिसाब से चेंज हो रहे हैं क्या हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं इस तरह से क्या वो खुद इतने स्मार्ट हैं या इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो इतने डायनेमिक हैं कि जो चेंज ऑफ जो डिमांड ऑफ टाइम है उसको एड्रेस कर पाए तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है सो दीज आर सम इशूज विथ द सिविल सर्विसेज, ओके सिविल सर्विसेज जो है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चों सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की जब बात आती है तो ये कुछ कमीशन हैं, कुछ रिपोर्ट्स uh, हैं इनकी जिनका आप जरूर जिक्र करें ठीक है तो बच्चों ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए जो पहला कमीशन आयोग एक, जो आपने बनाया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए आर सी वन ठीक है इसे कहते हैं हम एआरसी वन तो एआरसी वन बच्चों 1969 में इसका गठन किया गया इसका काम यह था कि सुझाव दे कि सुझाव दे कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये गवर्नेंस है इसको बेटर किया जा सके तो बच्चों हजार पेजेस की इसकी रिपोर्ट है मैं कोशिश करूंगा कि कभी उसकी सम्मरी मैं आपके लिए लेके आ सकूं क्योंकि मेंस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे ही है इसकी रिकमेंडेशन ठीक है तो ए आर सी वन एक बहुत इंपॉर्टेंट है नाइनटीन सिक्सटी नाइन में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी ठीक है कोठारी कमेटी की रिपोर्ट ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी रिपोर्ट जो है वो फोकस करती है कि किस तरह से आप चयन करें किसी भी ब्यूरोक्रेट का सिलेक्शन जो होता है वो आई ए के एग्जाम के थ्रू होता है उस एग्जाम में हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं क्या क्या चीजें सब करने की जरूरत है तो वो आपका बेसिकली इस कमीशन जो कोठारी तो कमेटी है इसकी रिपोर्ट के अंदर लिखा है ओके शशि सतीश चंद्र कमेटी गाइज अगेन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को नाइनटीन एटी में इसने अपनी रिपोर्ट दी इसने कई सारी बातें बोली कि भाई सिविल सर्वेंट्स को चेक किया जाए क्या वो वाकई में अच्छे सर्वेंट्स बन सकते हैं सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स जाए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर test, इस पे जोर दिया जाए ठीक है इंपॉर्टेंट है 2004 में आई थी इसने भी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशन दी है अगेन गाइस एआरसी डिटेल्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो रिपोर्ट अगर आपको दिख रही है ओके ए आर सी टू की जो रिपोर्ट है 2008 के अंदर आती है ओके okay, 2008 के अंदर आती है एआरसी टू की रिपोर्ट बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये भी तो इसकी भी अलग अलग सेक्शंस हुए हैं इसकी रिपोर्ट चैप्टर वाइज आरटीआई पे जैसे क्या है सिक्योरिटी पे क्या है वेलफेयर स्कीम्स पे अलग अलग सेक्शन है आई होप दैट आई कम अपन विदरी ऑफ द ए आर सी टू एट लीस्ट ओके तो बच्चों ये सारी कुछ रिपोर्ट है जिनको आप नाम लिख सकते हो अपने मेन्स में ऐसे में और प्रम्स में भी पूछा जा सकता है सबका काम बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा ठीक है उसको सुधारने की ओर सारी रिपोर्ट जो है आपके वो अटेंशन आपका सीख करती है ठीक है कुछ और भी इश्यूज है गाइस जो आपके सिविल सर्वेंस से रिलेटेड है ओके okay. फर्स्ट ये सब इन रिपोर्ट्स का ही निचोड़ है इन सब रिपोर्ट्स में ही वैसे बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स है बड़ी बड़े बहुत सारे पेजेस की रिपोर्ट्स है पर निचोड़ जो इन सारी रिपोर्ट्स का है वो यही सारे पॉइंट्स में आप सम अप कर सकते हो ये रिपोर्ट्स कहती है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप सही करो ठीक है एक आई में क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस क्वालिटी के हिसाब से आप कैंडिडेट को सेलेक्ट करो ठीक है एक आईपीएस में क्या क्वालिटी होनी चाहिए तो उस हिसाब से आप कैंडिडेट को सेलेक्ट करो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को है अच्छा करो आप एक बात बताओ हिंदी लिटरेचर चलो हिंदी लिटरेचर छोड़ो कन्नड़ लिटरेचर है पंजाबी लिटरेचर किसी का ऑप्शनल है पंजाबी लिटरेचर में बहुत अच्छे मार्क्स उसके आ गए कन्नड़ में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए ठीक है और वो टॉप कर गया एग्जाम और वो आई बन गया मगर बच्चों ये कन्ना लिटरेचर ये हिंदी लिटरेचर से वो क्या एक अच्छा आई बन पाएगा क्या उसका काम से कन्ना लिटरेचर के उस जो उसका काम है क्या वो कन्ना लिटरेचर से है रिलेटेड है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से या गवर्नेंस से रिलेटेड है तो ये तो फिर मतलब ही नहीं है ना कि इस बेसिस पे आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो समझ रहे हो तो इस तरह से बच्चों रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चेंज करने की बहुत ही ज़रूरत है ट्रेनिंग को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ही ज़रूरत है ट्रेनिंग बार बार होनी चाहिए ऐसा नहीं एक बार ट्रेनिंग हो गई फिर छोड़ दिया तीस साल के लिए ये चीज़ें जो है अब बहुत तेज़ रफ्तार से बदल रही है ठीक है ऑटोनॉमी देने की जरूरत है इनको इंडिपेंडेंस देने की जरूरत है कि बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर से ही अपना काम कर सकें और अपना ड्यूटीज पावर्स को एग्जीक्यूट कर पाए ठीक है ऑटोनॉमी देने की जरूरत है किसी के दबाव में रह के काम होता भी नहीं अच्छा और करना भी नहीं चाहिए किसी को यू you नो know, तो ऑटोनॉमी देने की जरूरत है एफिशिएंसी लाने की जरूरत है ठीक है ऐसा नहीं आप हफ्ते में तीन दिन ही ऑफिस जा रहे हो काम ही नहीं कर रहे हो जाके भी आप तीन घंटे वहां बातचीत कर रहे हो दो घंटे तो खाना ही खा रहे हैं ठीक है थीके? तो एफिशिएंसी लाने की जरूरत सबसे इंपॉर्टेंट गाइस अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है जवाबदेही नहीं है आज भी भारतीय रेल की रिपोर्ट एक आती है जो कहती है आज भी एक अकेला कोई आदमी नहीं है जिसको एक छोटे रेलवे स्टेशन की में कोई प्रॉब्लम हो जाए मान लो कोई रेलवे स्टेशन में कुछ खराबी आ जाए कोई दिक्कत हो जाए कोई विवाद हो जाए कोई बात हो जाए तो एक आदमी नहीं है जिसे आप जिम्मेदार ठहरा सकते हो कि यार इसकी गलती है कोई जवाबदेही नहीं है इंडियन रेलवे के एक स्टेशन के ऊपर ठीक है है तो इस ये लेवल अकाउंटेबिलिटी का तो बच्चों फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं है जब जवाब दे ही नहीं है कोई पूछने वाला ही नहीं है कि सही हुआ गलत हुआ गलत हुआ तो क्यों हुआ आप कहां थे जब ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है तो फिर कोई सिविल सर्वेंट क्यों अपना यार एक्स्ट्रा खून जलाएगा और फालतू के काम करेगा तो अकाउंटेबिलिटी लाना बहुत ही जरूरी हो जाता है ठीक है परफॉर्मेंस अप्रेजल बच्चों नहीं होता है ट्रांसफर पोस्टिंग अच्छी जगहों पे मिलती है कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं आपके सेटिंग अच्छी है ठीक है ऊपर तक पैसा पहुंचा रहे हो करप्शन कर रहे हो आगे तक पैसा पहुंचा रहे हो उस हिसाब से आपको पोस्टिंग या अच्छी जगहों पे ट्रांसफ़र मिलेगा परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाता आदमी में काबिलियत कितनी है हाँ करप्शन में कितनी काबिलियत है सेटिंग करने में कितनी काबिलियत है नेताएं नेताओं से उतनी उसकी कितनी अच्छी है उस पर जरूर उसकी जो है तरक्की है जो कैरियर है उस पर चलेगा ना कि उसकी परफॉर्मेंस पे ना कि उसके टैलेंट पे ना कि उसकी काबिलियत पे ठीक तो है तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है तो बच्चों सिविल सर्विसेज बोर्ड की बात करी होटा कमेटी ने ठीक है होटा कमेटी ने बात करी सिविल सर्विसेज की जो मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी अभी ओके तो भाई चार बजे अपन को दोबारा मिलना है जम्मू कश्मीर की मैपिंग करने के लिए लेट हो रही है क्लास तो बच्चों होटा कमेटी ने बात करी एआरसी ने बात करी सुप्रीम कोर्ट ने बात करी कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का आप गठन करो सेंट्रल लेवल पे ओके और स्टेट लेवल पे अब ये सिविल सर्विसेज बोर्ड क्या करेंगे ये सिविल सर्विसेज बोर्ड डिसाइड करेंगे कि ट्रांसफर किसका करना है पोस्टिंग किसकी करनी है मेरिट के आधार पे काबिलियत के आधार पे ट्रांसफर किया जाएगा ना कि नेता लोग मिनिस्टर लोग ट्रांसफर करेंगे जिस तरह जो उनका एक मेन जो उनको पावर दे रखा है कि किसी भी सिविल सर्वेंट का वो ट्रांसफर और तबादला कर सकते हैं तो वो पावर उनसे छीन के सिविल सर्विसेज बोर्ड में को दे दिया जाएगा मगर सरकार चाहती नहीं ऐसा हो अगर सरकार से ये पावर छीन लिया तो ब्यूरोक्रेट्स उनसे उनके हाथ में नहीं रहेंगे ओके okay, जैसा कि बिल्कुल नहीं चाहती है लेकिन बच्चों ये बहुत अच्छा आइडिया है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन किया जाए और इनको ये काम सौंप दिया जाए कि आप करो ट्रांसफर पोस्टिंग आपके हिसाब से देख के ये बोर्ड होंगे ये करेंगे ओके okay, जिसमें काबिलियत जो भी है जैसी भी है परफॉर्मेंस के हिसाब से उसके हिसाब से आप उसका ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हो सो दिस इज द सिविल सर्विसेज बोर्ड गाइज दीज आर द सम आर्टिकल्स विच आर इंपॉर्टेंट एंड दे आर इन योर सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं आपके ठीक है तो बच्चों 309 बात करता है कि रिक्रूटमेंट कैसे करना है यूपीएससी की बात करता है स्टेट सर्विसेज की बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है ओके आर्टिकल 310 कहता है टेन्योर इनका फिक्स रहेगा प्रेसिडेंट या कोई अथॉरिटी जिन्होंने इसको लगाया है उनसे छोटी अथॉरिटी इसको हटा नहीं सकती सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रदान करता है ठीक है आर्टिकल एक तीन भी रिमूवल रिडक्शन ऑफ रैंक वगैरह इसकी बात करता है आर्टिकल 312 बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है ये राज्यसभा को एम्पावर करता है कि नई ऑल इंडिया सर्विसेज वो क्रिएट कर सकती है अभी भारत में तीन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं केवल आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अगर लगता है कि और ऑल इंडिया सर्विसेज की जरूरत है बनाने की जरूरत है तो राज्यसभा को पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 312 के वो नई ऑल इंडिया सर्विसेज भी क्रिएट कर सकती है अभी केवल ये तीन ही ऑल इंडिया सर्विसेज है ओके जो 312 ए है 313 है और 314 है प्रोटेक्शन के लिए कुछ ईमानदार अफसरों का कि उनपे कोई केस ना कर दे यू you नो know, बड़ी कहानी है बट इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स कि अगर सीबीआई को रेड मारनी है किसी पे एसीबी को किसी ऑफिसर पे रेड मारनी है तो उसे सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी कहीं कोई ईमानदार ऑफिसर पे वो रेड ना मार दे तो इसका मिसयूज भी बहुत होता है तो आर्टिकल तीन चौदह इस बारे में बात करता है बाकी ये सारे आर्टिकल जो है आपके सिविल सर्विस की बात करते हैं तो दिस द क्लास एंड वी आर मीटिंग अगेन आफ्टर मिनट्स के के ब्रेक के बाद जम्मू एंड कश्मीर की मैपिंग करेंगे हम गूगल अर्थ के ऊपर ओके okay? तो जम्मू एंड कश्मीर गाइज इंपॉर्टेंट स्टेट है अभी विभाजन भी हुआ है उसका तो क्वेश्चन आ सकता है वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन से तो हम अभी पांच मिनट का ब्रेक के बाद दोबारा जोड़ने वाले हैं अपन तो जुड़े रहिए आप यहाँ पे आप इन जगहों पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लें पीडीएफ्स के लिए अकेडमी पे मुझे फॉलो कर ले स्पेशल क्लासेस के लिए इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए सारे अपडेट्स के लिए डायरेक्ट मैसेज भी आप मुझे कर सकते हो ओके गाइज दिस इज़ आर यूट्यूब चैनल यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल ओके ऑल्सो गाइज यू कैन बी ऑन द प्लस यू कैन यूज माई कोड दैट इज सिड यू पी एस सी दस परसेंट का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हो डायरेक्ट मेंटरिंग और गाइडेंस मुझसे ले सकते हो आप पाँच बार एग्जाम क्लियर करने का मुझे अनुभव है आई विल बी डायरेक्टली एंड गाइडिंग यू इफ यू यूज माई कोड दैट इज सिड यूपीएससी मेरा कोड है प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम ठीक है वेरी वेरी गुड बाई टू ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच ओके मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप जम्मू कश्मीर की मैपिंग के अंदर ओके टिल देन गुड बाय एंड टेक